डिफरेंस बिटवीन किडनीपिंग एंड एबडक्शन सेक्शन थ्री फिफ्टी नाइन टू सेक्शन थ्री सिक्सटी नाइन इंडियन पिनल कोड एंड पाकिस्तान पिनल कोड आज हमारा जो लेक्चर है आज हम पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस है किडनीपिंग एंड एबडक्शन में और जो ऑफेंस ऑफ किडनीपिंग है एंड एबडक्शन ये दोनों ऑफेंस पाकिस्तान पिनल कोड एज वेल एज इंडियन पिनल कोड दोनों में सेक्शन तीन से लेकर सेक्शन तीन तक प्रोवाइडेड है अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड आइकन को प्रेस कीजिए किडनैपिंग एंड एबडक्शन सेक्शन 359 जो है पाकिस्तान पिनल कोड एंड इंडियन पिनल कोड आईपीसी उसमें किडनैपिंग की किस्म बताए गए हैं

हु एवर बाई फोर्स कंपेल्स और बाय एनी डेसिटफुली पर्सन टू गो फ्राम एनी प्लेस हि सेट टू एबडक्ट देट परसन एबडक्शन डिफाइंड है कि अगर कोई भी किसी शख्स को फोर्स यूज करके कंपेल करके या किसी भी डेसिटफुल मीन से धोखा दही देकर वर्गलाकर इंड्यूस कर वर्गला कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है मुंतकिल करता है ट्रांसफ़र करता है तो इट ही हैज कमिटेड एबडक्शन जो किडनेपिंग है वो हमेशा माइनर की होगी इट इज़ कमिटेड अगेंस्ट माइनर अगर आ, मेल है तो एज उसकी 16 साल से कम होनी चाहिए अगर फीमेल है तो उसकी एज 18 साल से कम होनी चाहिए और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड या अनसाउंड माइंड की भी जो होगी वो किडनेपिंग होगी जबकि जो एबडक्शन है इन केस ऑफ एबडक्शन देर इज नो एनी एज लिमिट इन रेस्पेक्ट पर्सन ऑफ एनी एज किसी भी के person की abduction हो सकती है there is no age. Kidnapping जो है, किडनेपिंग in में अक्यूज जो है ऑफेंडर जो है उसकी इंटेंशन जो है इनरेलीवेंट है इमटेरियल है उसकी इंटेंशन से कुछ ना जाए जबकि इन केस ऑफ एबडक्शन इंटेंशन ऑफ द एक्यूज इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फैक्टर एक्यूज की जो इंटेंशन है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसको देखा जाएगा कि उसने किस इंटेंट से किसी पर्सन को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक के लिए मूव करवाया है रिमूव किया है ट्रांसफर किया है उसके बाद जो किडनैपिंग है उसमें कंसेंट ऑफ द पर्सन जिस पर्सन को किडनैप किया गया है उसकी कंसेंट जो है वो इम है किडनैपिंग में कंसेंट इम है जिस पर्सन को किडनैप किया गया है लेकिन इन केस ऑफ एबडक्शन कंसेंट ऑफ पर्सन एबडक्टेड इज वेरी मच मटेरियलिस्टिक एंड इज गुड एविडेंस एबडक्शन केस में जो है वो कंसेंट इम्पॉर्टेंट uh, है कंसेंट देखी जाएगी कि जिस पर्सन को अबडक्ट किया गया है जिस पर्सन को किसी प्लेस से मूव करवाया गया है उस पर्सन की कंसेंट क्या थी वो क्यों वहाँ से गया अबडक्टर के साथ वहाँ से वो उसने क्यों मूव किया तो अबडक्शन में जो है इंटेंशन सॉरी कंसेंट ऑफ द पर्सन जो है वो मटेरियलिस्टिक है किडनैपिंग इज नॉट कंटिन्यूइंग ऑफेंस किडनैपिंग कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है द ऑफेंस इज कंप्लीट व्हेन द पर्सन इज रिमूव्ड फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप जो किडनैपिंग का ऑफेंस uh, है, वो उसी टाइम कंप्लीट हो जाता है जब किसी पर्सन को लाफुल गार्डियनशिप से या फिर इंडिया और पाकिस्तान से रिमूव किया जाता है उसी टाइम एट द टाइम कंप्लीट हो जाता है इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस जबकि एबडक्शन इज़ अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस इट इज़ अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस इन विच अ पर्सन किडनेपड मूव्स फ्राम वन प्लेस टू अनदर जो एबडक्शन है वो एक कंटिन्यूंग ऑफेंस है किसी भी पर्सन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जब भी मूव किया जाता है तो वो ऑफेंस के दायरे में आता है सपोज करें एग्जाम्पल अ गर्ल इज बी एबडक्टेड नॉट ओनली वैन शी इज फर्स्ट टेकन अगर किसी गर्ल को क्या किया गया एबडक्ट किया गया है तो जब उसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया गया जब उसको पहली बार उठाया गया तो सिर्फ उस टाइम वो एबडक्शन नहीं थी लेकिन फ्रॉम एनी प्लेस बट आल्सो शी इज़ रिमूव फ्रॉम वन प्लेस टू तो अनदर, लेकिन उसको एक जगह से दूसरी जगह फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह जहां जहां मुंतकिल करता रहा एबडक्टर तो वो जो है ऑफेंस के दायरे में आएगा वो कंटिन्यू ऑफेंस का होता रहेगा उसके बाद जो किडनेपिंग है उसकी पनिशमेंट प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन 363 किडनेप एनीसन फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान या फिर लाफुल गार्डियनशिप शेल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ ट्रम्प विच में एक्सटेंड टू सेवन ईयर एंड शेल आल् बी लाइबल फॉर फाइन जो किडनेपिंग है उसकी सात साल सजा प्रोवाइडेड है आई पी सी एंड पी पी सी के सेक्शन थ्री सिक्सटी थ्री में जबकिशन जो है वो इट्स पनिशेबल नहीं है पनिशेबल ऑफेंस नहीं है जो है वो सब्सटेंटिव ऑफेंस है वो एक ऐसा ऑफेंस है कि जब कमिट होता है उसी टाइम इट इज़ पनिशेबल वो इट सेल्फ़ पनिशेबल है सेक्शन 363 में आप देखेंगे तो उसकी सज़ा प्रोवाइडेड है जबकि एबडक्शन uh, जो है वो इट् सेल्फ जो है सब्सटेंटिव ऑफेंस नहीं है उसमें इंटेंट देखी जाती है एबडक्टर की अक्यूज की कि उसने किस इंटेंट से किस इरादे से पर्सन uh, को रिमूव किया है किस इरादे से पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर गया है तो उसमें इंटेंट देखी जाती है इसलिए जो एबडक्शन है वो आगजलरी एक्ट है और एबडक्शन की आपको कहीं पर भी पनिशमेंट जो है पीपीसी में अलहदा से नहीं मिलेगी जिस तरह किडनेपिंग की पनिशमेंट लिखी हुई है एबडक्शन की कहीं भी अलहदा से पनिशमेंट नहीं लिखी हुई एबडक्शन जो है वो आपको मिलेगा सेक्शन 364, 364 ए से लेके 369 जो है इंडियन पिनल कोड एंड पाकिस्तान पिनल कोड वहाँ आपको पनिशमेंट्स इसकी दिखने में आएगी क्योंकि इट्स नॉट इट सेल्फ पनिशेबल बट मेड क्रिमिनल ऑफेंस ओनली वेन इट इज कमिटेड विथ वन और अदर इंटेंट देखा जाएगा कि किस इंटेंट के साथ कमिट हुआ है फार फोर्स लेबर के लिए एबडक्ट किया गया है फार सेल एबडक्ट किया गया है फार परपज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन फॉर सेक्शल इंड्यूसमेंट या किस परपज के लिए एबडक्शन हुई है तो ये डिफरेंस था एबडक्शन एंड किडनीपिंग के बीच आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा थैंक यू सो मच प्लीज़ अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए